फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक एंटी एजिंग फेस मास्क बनाना लेकर के आई हूँ, क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है और विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा स्किन ड्राई होती है और स्किन खींचती है, तो रिंकल्स के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इस सीज़न में आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिसको आप डेली इस पैक को यूज़ कर सकते हैं, और डेली टाइम नहीं मिलता है तो वीक में एक बार ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक खाली बाउल लेना है, उसमें हम ग्राम फ्लोर डालेंगे, मतलब कि बेसन। बेसन स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और ये स्किन में जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। ये एंटी एजिंग होता है और ये स्किन को मॉइस्चर देता है, सॉफ्ट, सफल, रेडिएंट एंड यंग बनाता है। तो बेसन सभी के घर में होता है, तो हम यहाँ बेसन का यूज़ किए करेंगे। मैंने मेरे फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें ली है, आप जिस जितनी क्वांटिटी में चाहे इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ग्रीन टी लिए। ग्रीन टी एंटी एजिंग का काम करती है और रिंकल को भी ख़त्म करती है। इसका पाउडर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद हमने यूज़ किया है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स से, और ये आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, न्यूट्रिएंट्स बनाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है और ये कोलेजन प्रोडक्शन को इनक्रीज करता है जिससे स्किन यंग दिखती है। उसके बाद में हमने यूज़ किया है लेमन का। लेमन आर रिच इन विटामिन सी, ये भी कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसका एसिडिक नेचर जो होता है, जो आपके स्किन के पोर्स को टाइट करता है, सॉफ्ट बनाता है और उसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है और आपकी स्किन को फेयर भी करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा लचलचा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको इस पेस्ट को अपनी स्किन पे लगाना है अपवर्ड्स में। हमेशा से मैं एक चीज़ बताती हूँ कि इसको आप ऊपर की साइड से लगाइए, नीचे से ऊपर लगाइए, और इस पैक को कम से कम आधे घंटे तक आपको अपने के फेस पे लगा के रखना है। अगर ये ड्राई हो जाता है तो आप थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके इसको फिर से गीला कर सकते हैं, और आधे घंटे बाद आपको इसको ईजीली निकालना है। इसको आप हल्का सा मसाज करके, बिल्कुल हल्का सा मसाज करके और निकाल सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।